दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एसकेडी प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेस वे पे 1000 स्क्वायर मीटर की प्लॉटिंग के बारे में। 1000 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स अवेलेबल हैं वो सी पॉकेट, डी पॉकेट और ई पॉकेट में अवेलेबल हैं। आज हमारे पास जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वो अवेलेबल है डी पॉकेट में 127 नंबर, डी 127। पार्क फेसिंग प्लॉट है, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड दोनों कंडीशन में आप इसको परचेज कर सकते हैं। साइट पे प्रॉपरली लगा हुआ है। पहले हम आपको ये प्लॉट मैप में दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे साइट की ओर। तो चलिए चलते हैं मैप की ओर। ये दोस्तों डी पॉकेट का मैप है और जो हमारे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है वो अवेलेबल है डी पॉकेट में 127 नंबर। ये देखिए प्रॉपर जो प्लॉट है अवेलेबल है साइट पे भी। पार्क है ये सामने, पार्क फेसिंग है, सामने आपका 18 मीटर का रोड बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं साइट की ओर, दिखाते हैं साइट में किस तरीके के ये प्लॉट अवेलेबल है। दोस्तों अभी हम आए हैं ईडा के सेक्टर 20 में और ये जो आप सेक्टर देख रहे हैं ये जो पॉकेट है ये डी पॉकेट है। 1000 स्क्वायर मीटर की इसमें प्लॉटिंग है और आज हमारे पास जो प्लॉट अवेलेबल है डी 127 नंबर ये प्लॉट है। देखिए सीवरेज का काम कंप्लीट है, प्लॉट पर टी जो है ये लगा हुआ है बट इस पर अभी नंबर नहीं पड़ा है। अंदर प्लॉट के अंदर भी सीवर पड़ा हुआ है ये देखिए, और ये पूरा प्लॉट क्लियर है इस वाले यहाँ से और ये इस कोने तक का ये प्लॉट है पूरा सामने। और ये देखिए ये आपका रोड जो है 24 मीटर का ये रोड बना हुआ है और ये सामने जो एरिया आ रहा है ये पूरा एरिया पार्क का एरिया है। तो ये पार्क फेसिंग प्लॉट है, तो क्लियर प्लॉट है, आप साइट पे आके देख सकते हैं मैप के अकॉर्डिंग। इसी के साथ थैंक यू। तो आपने देखा कि ये जो प्लॉट है प्रॉपरली साइट पर अवेलेबल है, साइट पे लगा हुआ है, तो आप इस प्लॉट को परचेज़ कर सकते हैं। आप हमें कांटेक्ट कीजिए, एसकेडी प्रॉपर्टीज़ एंड कंस्ट्रक्शन को नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, इसके अलावा स्क्रीन पर भी नंबर हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि कोई भी यमुना अथॉरिटी की जो न्यूज़ होती है या फिर कोई भी प्लॉट हमारे पास इन्वेंट्री आती है तो आपके पास टाइमली वो पहुँच सके। इसी के साथ हम वीडियो को क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।